अल्मोड़ा में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विपक्षी गठबंधन के 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग की। वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि संसद में घुसपैठ को लेकर सवाल पूछने पर मोदी सरकार के दबाव में इंडिया गठबंधन के सांसदों को निलंबित किया गया है। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के निष्कासन को मोदी और बीजेपी की तानाशाही बताया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने एक धरने का आयोजन किया है, क्योंकि इस देश में तानाशाही चरम सीमा पर व्याप्त हो गई है। अभी आप सब ने देखा कि संसद में किस प्रकार 100 सांसदों का निलंबन लोकसभा में हुआ है और ऐसे ही 50-60 सांसदों का निलंबन राज्यसभा में किया गया है केवल प्रश्न पूछने पर। जब लोकतंत्र में सांसदों को संसद में अपनी आवाज़ उठाने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है तो उससे क्या समझा जा सकता है। इस देश में जिस प्रकार से तानाशाही व्याप्त हो गई है उसके विरोध में कांग्रेस जन आज देश भर में धरना दे रहे हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील कर रहे हैं। जनता से भी हमारी ये अपील है कि वे इस तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर के संघर्ष करें ताकि इस तानाशाही सरकार को सत्ता से बेदखल किया जा सके।